अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों राशिद मिनास, सितार एलवी, एमएम आलम और सरफराज अहमद रफ़ीकी जैसे हीरोज़ के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारा एक मुजाहिद ऐसा भी था जिसने अरब इसराइल वार में किसी भी पाकिस्तानी पायलट्स में से सबसे पहले इसराइली जेट तबाह करने का एजाज़ हासिल किया था। दोस्तों 72 घंटों में एयर टू एयर कॉम्बैट में 3 इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। और इसी 6 दिन की जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है और इसके अलावा इनके पास 3 मुख्तलिफ ममालिक के लिए लड़ने का एजाज़ भी है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये अपने सीने पर सबसे ज़्यादा बैज सजाने वाला पायलट है तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लकब पाने वाले जानबाज पायलट सैफुल आज़म की, जिनके एहसानों को अरबों ने तो भुलाया ही भुलाया, लेकिन हमारी नस्ल तो इनके बारे में जानती तक नहीं है। सैफुल आज़म 1941 को ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ज़िला पबना के गांव कगरबारिया में पैदा हुए। मशरकी पाकिस्तान से सानवी तालीम हासिल कर लेने के बाद वो 1955 में मगरबी पाकिस्तान आ गए और आला तालीम हासिल कर लेने के बाद 1958 में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर ज्वाइन कर ली और 1960 में PAF के GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। इसी दौरान इन्होंने एक लॉयर निशत से शादी कर ली। दोस्तों इन्होंने सेसना T-37 की तरबियत हासिल की और उस वक्त के जदीद फाइटर F-86 सेबर की तरबियत हासिल करने के लिए इन्हें ल्यूक एयरफोर्स बेस एरिजोना अमेरिका भेज दिया गया। तरबियत हासिल कर लेने के बाद वो पाकिस्तान आए और 1963 तक सेबर त्यारे उड़ाते रहे। इसके बाद 1963 से 1966 तक PAF मसरूर बेस माड़ीपुर में T-37 के इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। दोस्तों जब 1965 की पाक भारत जंग छिड़ी तो आज़म को सरगोधा एयरबेस में स्क्वाडन नंबर 17 के सेबर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी जंग के दौरान आज़म इंडिया में कामयाब ग्राउंड अटैक करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो इनकी फॉर्मेशन को इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स ने घेर लिया। इस डॉग फाइट में आज़म ने 2 में से 1 अटैकर को तबाह कर दिया जो कि फोलन नार्ड त्यारा था और यूं सैफुल आज़म ने अपनी ज़िंदगी की पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। इस तबाह होने वाले जेट के पायलट का नाम मायादेव था। इस कामयाबी के बाद सैफुल आज़म को पाकिस्तान के तीसरे बड़े मिलिट्री एजाज सितारे जुरत से नवाजा गया। 1966 में आज़म को दोबारा T-37 के इंस्ट्रक्टर और नंबर 2 स्क्वाडन की कमांड की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नवंबर 1966 को PAF की तरफ से इन्हें एज एडवाइज़र रॉयल जॉर्डन एयरफोर्स भेज दिया गया। दोस्तों जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग छिड़ी तो आज़म जॉर्डन एयरफोर्स के लिए नंबर 1 स्क्वाडन के हॉकर हंटर त्यारे को उड़ा रहे थे। 2 दिन के दौरानिए के अंदर आज़म इसराइल की 2 एयरबेस पर अटैक में भी शामिल थे। इसी दौरान इनकी 2 इसराइली जेट से एयर टू एयर कॉम्बैट भी हुई जिसमें एक इसराइली त्यारा तबाह हो गया और दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसराइली हदूद में क्रैश लैंडेड हुआ। 5 जून 1967 को इसी जंग में इन्हें उर्दन की मेन एयरबेस मफराक को इसराइली त्यारों से दफा के लिए बुला लिया गया। दोस्तों 12:48 पर 4 इसराइली डेसल्ट सुपर मेस्टेयर त्यारों ने मफराक एयरबेस पर हमला कर दिया। इन 4 त्यारों के साथ लड़ाई में आज़म भी शामिल थे। आज़म ने 2 इसराइली त्यारों को मार गिराया और तीसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों 6 जून को सैफुल आज़म को इराकी फ़िज़ाई अड्डों के दफा के लिए उर्दन पायलट्स के साथ इराक भेज दिया गया। यहां पर इनका सामना एक बार फिर इसराइली त्यारों से हुआ। 4 इसराइली वेटोर बॉम्बर्स ने 2 मिराज त्यारों के साथ मिलकर इराकी एयरबेस पर हमला कर दिया। एक मिराज पायलट कैप्टन गिडियन डेरर ने एक इराकी जेट तबाह किया जिसके जवाब में आज़म ने इस जेट को मार गिराया। सैफुल आज़म ने इस हमले में शामिल वेटोर बॉम्बर को भी तबाह किया जिसे कैप्टन गोलान उड़ा रहे थे जो कि बाद में जंगी कैदी बन गए थे। इस जंग के बाद सैफुल आज़म दुनिया के वाहिद पायलट बन गए जिन्होंने 72 घंटों के अंदर
3 कन्फर्म्ड इसराइली तैयारें गिराए और ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। और इस जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। ये वो वाहिद पाकिस्तानी पायलट हैं जो पाकिस्तान के लिए भी लड़े, इराक के लिए भी लड़े और उर्दन के लिए भी लड़े। दोस्तों, ये 6 रोज़ा जंग तो इसराइल जीत गया, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स के दिए गए जख्म आज तक नहीं भुला सका। सैफुल आजम को जॉर्डन के ऑर्डर ऑफ इस्तकलाल और इराक की तरफ से मेडल ऑफ ब्रेवरी नतुल शजात से नवाजा गया। 1969 में आजम ईस्ट पाकिस्तान वापस आए और फ्लाइट कमांडर बन गए। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इन्होंने बंगला एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। आजम बांग्लादेश के लिए डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट सेफ्टी और डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के तौर पर खिदमात देते रहे। फिर इन्हें 1972 में ढाका एयरबेस की कमांड और ग्रुप कैप्टन पर प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, सैफुल आजम 1979 में बांग्लादेश एयरफोर्स से रिटायर हुए, लेकिन मुल्क के लिए खिदमात देते रहे। 1980 में इन्हें सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया। सैफुल आजम फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे और सियासत में भी हिस्सा लिया। और 1991 से 1996 तक बांग्लादेशी पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। दोस्तों, सन 2000 में अमेरिका की तरफ से इन्हें उन 22 लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया जो बेहतरीन पायलट थे, जिन्हें अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लकब दिया गया। दोस्तों, अरब अवाम हमारे इस हीरो के बारे में नहीं जानती, हालांकि ये उनका भी हीरो है। इतने कारनामे करने के बावजूद भी इतनी गुमनामी की ज़िंदगी शायद ही किसी हीरो को मिली हो। और हैरत की बात यह है कि अरब मिलिट्रीज और अरब सकाफत में पाकिस्तानी शराकत का कभी भी जिक्र नहीं किया गया और ऑफिशियल अरब हिस्ट्रीज में भी हमारी खिदमात को भुला दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने कम अज कम 16 पायलट्स का दस्ता 1967 और 1973 की जंगों में उर्दन, मिस्र, शाम और इराक में रजाकाराना भेजे थे। दोस्तों, इस गुमनाम हीरो के बारे में वीडियो बनाकर मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है और अब आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।